नियम निकाल लेंगे, नियम नियम वाला पेज खोल कर रखेंगे, नियम वाला। घर से दे देंगे वो सवाल, यही दिया होगा मैथ ले, नहीं यही दिया होगा मैथ ले, मिल लो देखो इधर चलो इधर, अरे इधर भी सुन लो। इसे करने से पहले मैथ 11 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। CH3NH2 से हमें बनाना है CH3CH2 और NH2, ये बनाना है। क्या करना है, कार्बन की वृद्धि करनी है, वो साफ साफ दिख रहा है। जब वृद्धि करनी है तो क्या करें, यहीं लगा दें तो बुट अभिक्रिया या KCL अभिक्रिया भी साथ साथ बोले करो, वो KCN अभिक्रिया भी साथ साथ बोले करो, दोनों काम करती हैं। कभी KCN को तुम बुरा समझो, हाँ पावरफुल है कभी वो भी। अब देखो सर, मैथिलेमीन है, मैथिलेमीन पर बुट अभिक्रिया KCN अभिक्रिया लगाएंगे, लेकिन वो जो है वो CL पे लगती है ना कि एमीन पे लगती है। मतलब एमीन होगा तब तक बुट अभिक्रिया KCN अभिक्रिया नहीं लगेगी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे CL बनाएंगे। अब ऐसा कोई नियम है नहीं जो इसे डायरेक्ट CL पे बना दे। इसका मतलब क्या है कि CL जो बनता है वो OH से बन जाता है। अब हमें इसे पहले OH पे लेके जाना पड़ेगा, तो OH पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, HNO2 से इसकी अभिक्रिया करा देंगे, तो ये हो जाता है CH3 और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पर PCl5 लगा देंगे, PCl5 जब लगा देंगे ना तो ये CH3 ये CL हो जाएगा। अब तुम्हारे पास यहाँ से दो रास्ते हैं, तुम KCN भी लगा सकते हो या बुट्स अभिक्रिया भी लगा सकते हो। बुट्स अभिक्रिया सामने लगाते हैं, बहुत लंबी जाएगी ये। KCN अभिक्रिया जो है वो सिंपल है, क्योंकि तो किसी भी रास्ते से कोई सा भी आंसर कभी भी जल्दी आ जाता है। हम यहाँ से करके देखेंगे क्या जाएगा, ये CH3। अरे क्यों लिखना पड़ेगा इससे, जब तुम्हारा आंसर इस आ रहा है तो उससे क्यों करोगे, यहाँ सीख रहे हो, यहाँ तुम्हें दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं, तभी तो दोनों ही बताते हैं। ओके सॉरी, हाँ ये बन गया, अब KCN बन गया। KCN का हम अपचयन करेंगे, जब इसका दो बार अपचयन होता है ना, CH3 CH2 और ये NH2 बदल जाता है, यही हमें चाहिए। देख गया, अब बोर्ड सभी क्रिया से भी देखो, बोर्ड सभी क्रिया से CH3 और ये CN बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इसका हाँ अब क्लोरीनीकरण करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CL, ठीक है जी, इतना हो गया। अब यहां से बहुत ज्यादा स्टेप जा रहे हैं इसके, हाँ कुछ नहीं, जरा सलाह में हाफ माल लगानी पड़ेगी एमीन बनाने के लिए। और तो तुम, अरे मैं सोच रहा हूँ कम स्टेप में आ जाए, हाफ माल बहुत लंबी जा रही है। चलो फिर अब जब जा रही है तो कोई बात नहीं। देखो सर, KCN अभी इसमें लगाएंगे अभिक्रिया, CH3 CH2 और ये आ जाता है CN, इसका जल अपघटन कर देंगे, जल अपघटन करेंगे CH3 CH2 और COOH, इसके अमोनिया के साथ क्रिया करा देंगे CH3 CH2 COOH NH4, इसे हम एक बार गर्म कर देंगे, इसे हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देना, डायरेक्ट ये बन जाता है, वरना ऐसे भी आ जाता है CONH2। अब इस पर लगाएंगे हम हाफ मान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया की खासियत होती है कि जो पीछे वाला होता है ना, ये तो एजिटी जैसी रहता है और इसका एमीन बन जाता है,
तो ये आ जाती है, किसने कह रहा था ये थोड़े से ज़्यादा स्टेप हो जा रही है, ऐसे चले जाती है, हर किसी को अच्छी लगेगी, ये कौन सी नई बात है। कितने अंत परिवर्तन हो गए थे कल तक, ये पाँचवा। देखो इधर पहले मैं और कर रहा हूँ, अभी सातवां भी देखो, अरे सात भी देखो इधर। मैथेन से, हाँ जी हाँ, अरे अरे बोलो, हाँ जी हाँ, केसीएल कहाँ गया, ये है दरअसल तुमने ना, तो तुमने महाभारत नहीं पढ़ी, नाइन 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 महाभारत सीरियल देखा, जब द्रोणाचार्य सारे सारे धनुधारियों को बुला के, अर्जुन भी होते हैं उसमें, बहुत सारे कौरव भी होते हैं पांडव भी होते हैं, सब होते हैं, सबको तीर देते हैं और वो सामने चिड़िया होती है, अब वो कहते हैं निशाना लगाओ, तो निशाना लगाने से पहले उनसे पूछ रहे क्या दिखाई दे रहा है, तो सब कह रहे थे चिड़िया दिखाई दे रही है, सिर्फ अर्जुन ने बोला था ना भाई क्या दिखाई दे रहा है, ना मुझे आँख दिखाई दे रही है, चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, ना बाकी कुछ ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस यही है हमारा, हमें तुम्हें मुख्य उत्पाद पर नजर रखनी है, एक्स्ट्रा जो निकल रहा है ना वो बहुत कुछ निकल रहा है, सब में निकल रहा था, यहाँ क्यों ना ध्यान दिया कि ये कहाँ गया। और कल नहीं थे क्या तुम यहाँ, कल थे, कल तो इस संदर्भ में हमने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई थी कि अगर जो पक्का है तभी बताना है वरना नहीं बताना है, तो पता नहीं तुमने ध्यान दिया नहीं दिया। ये भाई मैथेन से एथिल अल्कोहल बनाएंगे हम, मैथेन स्टार्टिंग कहाँ से होती है अभिक्रिया, अगर जो कोई क्रियात्मक समूह ना हो तो क्लोरीनीकरण कर देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सी एस थ्री सी एल हो जाएगा, CH3 पर हम चाहें तो इस पर बुट्स अभिक्रिया भी लगा सकते हैं, KCN भी लगा सकते हैं, KCN लगा रहे हैं, CH3CN बन जाएगा, इसका जल अपघटन कर देंगे CH3COOH बन जाएगा, इसका हम अपचयन करेंगे CH3CHO, अपचयन करेंगे ऑक्सीकरण करेंगे, पता ही ना होगा लोगों को, तो ये एल्डिहाइड जो होता है ना वो CH2OH में बदल जाता है, ये है स्टेप जो तुम्हारा, हमें यही चाहिए था, या अगर तुम यहाँ से चेंज करना चाहते कभी कोई दूसरे मेथड से बताएं, तो इस पर तुम बूट अभिक्रिया लगा दो, बूट अभिक्रिया क्या करती है CH3CH3 कर देती है, पीछे वाले कार्बन डबल कर देती है, अब इस पर हम फिर दोबारा से क्लोरीनीकरण करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3CH2Cl, क्या करें सीएल आ गया है, सीएल की जगह ओ एच लेकर आना है, जलीय के ओ एच लगा देना हमें, तो जलीय के ओ एच जो होता है ना वो CH3CH2OH बना देता, कोई कहे सीएल कहाँ गया, आना वो KCl के साथ गया, ठीक है, ये अभिक्रिया इसमें हो जाती है, तो ऐसे भी जा सकते हो, मतलब ऐसे करके ऐसे जा सकते हो या ऐसे भी जा सकते हो, दोनों रास्ते हैं तुम्हारे पास। और देखो इधर ये तीसरा रास्ता भी दिखा देता हूँ मैं, कभी बाद में कहोगे बताया ना था, इस पर तुम अपचयन करा दो CH3CH2NH2 बन जाते हैं, इसका तुम HNO2 करा दो, दिमाग चलना चाहिए इस लेवल पे लेकर आओगे, कहाँ कहाँ से कहाँ से, जैसे चौराहे से पता होता है ना कि काशीपुर में हम कहाँ कहाँ को जा सकते हैं, तो वो हर किसी को पता है कहाँ से कहाँ को, इस गली में पड़ेंगे तो भी वहीं पहुंचेंगे, मैं यहाँ से भी बना दूंगा, कहीं से पकड़ेंगे ना वहां से बना देंगे, लेकिन कोई कहो तो तुम बना दोगे, तुम बनाने से मतलब नहीं है, जिसने पढ़ लिया वो सब बना देना चाहिए, तो और ऐसे नहीं भाई, बहुत बार पढ़ती हैं, रोज रोज रात को मैं यही चीजें पढ़ता हूँ, है ना, और साल में एक ही बार पढ़ते हैं हम भी, ऐसा नहीं होता है। देखो सर भारत की राजधानी क्या है, हम कह रहे हैं दिल्ली है, तुम्हें पता चल गया दिल्ली है, तो अब हम और तुम ना भारत की राजधानी के लेवल पर जाकर बराबर हैं, अब ज्ञान ज़्यादा नहीं है, अब ऐसे नहीं कि मुझे ज़्यादा पता तो मैं राजधानी चेंज करके मुंबई कर दूंगा,
ऐसा नहीं है, राजधानी राजधानी रहेगी। तो जिसे जो आंसर पता होता है ना वो बराबर हो गया। और दूसरे ज्ञान में भले से आप आगे हैं, लेकिन कम से कम अब अगर जो मैंने तुम्हें ये सूत्र बता दिया तो मैं भी इसी से करूंगा, मेरे पास भी ये रास्ते हैं और तुम्हारे पास भी ये रास्ते हैं, तो यहाँ आगे बराबर हो जाते हैं। तो जब मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना तो अपने साथ साथ लेवल पर लेकर चल रहा हूँ तुम्हें, उस लेवल पर ऐसे नहीं सब पहुँच जाएंगे, जो ध्यान देगा वो पहुँच जाएगा, मेरे लेवल पर चलेगा, जो नहीं ध्यान देगा वो नहीं पहुँचेगा। तो अभिक्रिया नहीं होती, फिर अभिक्रिया के साथ तो खिलवाड़ होना शुरू हो जाता है, जो बार बार लोग रटते हैं ना कि साहब ना ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया बड़ी भारी लग रही है, कुछ नहीं लगती है, ऐसे ही होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो कल अब्सेंट था और अब आ गया हो, जादू लगेगा उसे? एक तो नहीं है। अच्छा ये तो भी नहीं थी, लड़के तो सभी थे शायद। जो कल नहीं था और जो आज नहीं है, जो कल को होगा ना उसे तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि क्या होगा। एक बेंच अभी खाली पड़ी है, आगे आगे आ सकते हो। अच्छा ऐसे वो हम ऐसे करते हैं इसमें, जैसे तुम ऑक्सीकरण करते हो ना इसमें, हम इसमें दो से गुणा करते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम बहुत शॉर्ट में निपटाना होता है तब की बात है। देखो बेटा जरा आप थोड़ी देर में गिरा लिखो जरा सही से, वरना एक अगर स्टेप में मजा नहीं आ रहा है, तो चल सी मार रहे हो। कितने हो गए थे, आठ सात आठ में होगा। अब देखो सर ये आठवा जो था ना, आठवा अगर किसी को नहीं पता है, किसी का डाउट हो रहा हो, तो ये एथेन से एसिटिक अम्ल वाला था हमारा। उसके बाद नाइन्थ जो है, अब देखो सर मैथेन, अभी हम जो ना थोड़ा सा कार्यक्रम मैथेन से शुरू करते हैं, अंत परिवर्तन ऐसे चल नहीं रहे। भाई अरे बोलो मतलब जरा, मैथेन से प्रोपिल क्लोराइड, मैथेन से एथिल एल्कोहल, मैथेन से क्लोरोफॉर्म, मैथेन से एसिटाल्डिहाइड, हाँ जी भाई साहब, मैथेन से मैथेन ही है और क्या है, एथेन से एथेन भी होगा। देखो अभी मैथेन वाली चला देना,
उतारो जल्दी फटाफट। चौदह है मैथेन से मैथेन, इसे तो कमाल कहते हैं। नाइन्थ है मैथेन से प्रोपिल क्लोराइड, मैथेन से एथिल अल्कोहल, मैथेन से क्लोरोफॉर्म, मैथेन से एसिटाल्डिहाइड, मैथेन से फॉर्मल्डिहाइड, मैथेन से मैथेन, मैथेन से एथिल एसिटेट, मैथेन से एसिटिक अम्ल, मैथेन से ऑक्टेन, मैथेन से एथिल नाइट्रेट, मैथेन से मैथिलेमीन, मैथेन से मैथिल साइनाइड। जितने तुम्हारे ये सब सीए नजर आ रहे हैं, ऐसा करके हम इनके रिवर्स भी करेंगे अभी। जितने इधर दिखाई दे रहे हैं ना वो सब उधर पहुंच जाएंगे, जितने इधर दिखाई दे रहे हैं वो सब इधर आ जाएंगे। हाँ जी, क्या हो रहा, भारी लग रहे हैं क्या? अरे भाई यार, सर नाइट्रेट है। हाँ जी, एक और रह गया यार, इम्पोर्टेंट है। 20 अच्छे ना लग रहे हैं, 21 रुपए का नेक करते हैं जी। मैथेन से हेक्सेन, मैथेन से एथेन भी बनता है, मैथेन से प्रोपेन बनता है, ब्यूटेन बनता है, पेंटेन बनता है, हेक्सेन बनता है, ऑक्टेन बना रहे हैं, सारे बना दिए। कोई बचेगा तो देख लेंगे। ये बुफर जो किसका, ये दान कर देगा कोचिंग को, कर दो, कभी कभी भलाई काम आती है, आने वाले भविष्य में भी काम आएगी। हाँ तो दान, अरे तभी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा डब्बा, वो हम हटा देंगे, हम आज ही फेंक देंगे, हम उसे आज ही हटा देंगे, तुमने अच्छा हुआ ये दे दिया। अच्छा, जिसका डब्बा है उससे जलेबी तय की होंगी, उसमें नए साल पर तो ना आया जलेबी पे, नए साल पर रसगुल्लों पर भी ना आया। तो फिर अभी किराए लिखेंगे जरा। हाँ जी, मैथेन से प्रोपिल क्लोराइड बना रहे हैं हम, बहुत मौके ध्यान से देखते रहो जरा। मैथेन का फॉर्मूला होता है ये है, और प्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2CH2 और ये Cl। कितने कार्बन की वृद्धि करनी है हमें? 3 कार्बन की वृद्धि करनी है, ठीक है जी। अब जब 3 कार्बन की वृद्धि करनी है तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे। CH4 है, सबसे पहले हम इसका क्लोरीनीकरण करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या हो जाएगा? CH3Cl। हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, बोर्ड सभी के लिए लगा दो, जल्दी जल्दी बढ़ानी है हमें, तो CH3CH3 हो जाएगा पूरा। अब क्योंकि हमें आगे कोई रिएक्शन में समूह जोड़ना होता है तो क्लोरीनीकरण कर देंगे फिर दोबारा से, फिर दोबारा से जब क्लोरीनीकरण करेंगे तो CH3CH2 अब Cl।
अब दिक्कत यह है कि हम यहाँ से बोर्ड सभी क्रिया भी लगा सकते हैं और हम केसीएन भी लगा सकते हैं, कौन सी उपयुक्त सभी क्रिया होगी जो यहाँ, कौन सी अभिक्रिया सही होगी, कौन सी लगाएं, केसीएन? क्यों, बोर्ड में क्या परेशानी है, बोर्ड सभी? अरे बोर्ड सभी क्रिया मैं भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ना लगने का कारण पूछ रहा हूँ कि बोर्ड सभी क्रिया हम क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ जी, वो हम मारते मारते आगे निकल जाएंगे। दरअसल हमें चाहिए थे चार और बोर्ड सभी क्रिया सीधा करे, हमें चाहिए थे तीन कार्बन और बोर्ड सभी क्रिया करे डायरेक्ट चार कार्बन। तो एक एक कार्बन बढ़ाना हो, जब हमें एक ही कार्बन की वृद्धि करनी हो तो वहाँ केसीएन अभिक्रिया काम करती है, मैंने कल भी बताया था। तो अब यहाँ केसीएन लगाएंगे, CH3, CH2 और ये CN। अब यहाँ से तो हम इसका जल अपघटन भी कर सकते हैं, लेकिन जल अपघटन नहीं करना होता है, हमें कार्बन एज इट इज रोकना है। जब रोकना है तो हम इसका अपचयन करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, दिखाई दे रहा है, ये इतना जो होता है ना वो इतने में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें इसे चेंज करना है, बाकी कार्बन पूरे हो गए, दिख रहा होगा तुम्हें, तीन कार्बन पूरे हो गए, तीन हमें चाहिए। अब दिक्कत रहेगी क्रियात्मक समूह की, एमीन को क्लोरीन पे लेके जाना है और एमीन डायरेक्ट क्लोरीन पे जाएगा नहीं, किस चीज़ पे जाएगा, पहले पहले OH पे जाएगा ये। तो पहले इसे HNO2 कर देंगे हम इसे, तो CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा OH। अब तो पता है क्या करें, अब इसे PCl5 लगा देंगे, CH3 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा Cl। यहाँ तक तुम्हारा ये पहला हो गया, मतलब पहला नहीं, नाइन्थ वाला चल रहा था ये, नाइन्थ। 21वां भी देखो, अभी यहाँ तक जब आ जाए ना 21वें में, यहाँ तक ही लिखना है पूरा, और उसके बाद यहाँ बोर्ड सभी क्रिया लगा देना। बोर्ड सभी क्रिया क्या करती है, पीछे वालों को डबल कर देगी, CH3 CH2 CH2। अब ये उल्टी ओर से जुड़ जाएंगे, CH2 CH2 CH3। NaCl जो होता है वो अलग निकल जाता है, अगर तुम इसमें सोडियम दिखाना चाहोगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया हो जाती है, समझ गए, हेक्सेन। यही मत फेल देना, 21वें नंबर पर जाके यही अभिक्रिया दोबारा उतार के तब करोगे ऐसा करके, तभी तुम्हें यही हेक्सेन करोगे, बता रहा है, हेक्सेन ऐसा बन जाएगा। देखो तो उधर मैथेन से एथिल अल्कोहल बनाना है, मैथेन से एथिल अल्कोहल। अब मैथेन से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए तुम्हारे पास तरीका यह है कि तुम चाहो तो यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से इसका यहाँ तक, यहाँ तक आ जाओ, और जैसे यहाँ तक आ जाओगे ना KOH लगा दो इस पे, क्या हो जाएगा, ये पता है कौन सा हो गया, ये तुम्हारा 10वां हो गया। ये देखो ना, ये ध्यान से देखो, क्लोरीन का एक बार किया था, चार तीन बार कर दो, तीन बार क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, एक बार क्लोरीन का किया तो ये आ गया, इसका फिर कर दो और फिर कर दो तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में भी करवाया था हमने, प्रयोगशाला विधि नहीं, नॉर्मल विधि में करवाया था। मैथेन से एसिटाइल्डिहाइड, देखो सर मैथेन से एसिटाइल्डिहाइड कौन सा वाला कर रहे हैं हम कर रहे हैं 12वां, 11वां भी अपने आप तुम कर लिए हो, नहीं होता मुझे बता देना, सुनो सर। हाँ जी, बना के दिखाऊं, कोई बात नहीं, अगर कोई अंत परिवर्तन होते होते हम 200-300 अंत परिवर्तन करने वाले हैं, उसमें कोई दोबारा से रिपीट हो गया तो उसमें बुरी बात थोड़ी ना है, और अच्छी बात है रिपीट हो गया तुम्हारा, लेकिन दिक्कत ये है कि इतने पे भी अगर तुम देख कर कर रहे हो उसे सोच समझ के तुम्हें करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया फिर, क्योंकि अगर जो तुमने एक बार कर लिया और दोबारा से तुम्हारे सामने फिर तो फटाक से कर देना चाहिए। मैथेन से एसिटाइल्डिहाइड बनाना है हमें, तो मैथेन का फॉर्मूला होता है ये, एसिटाइल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। कैसे लेके जाएंगे, एक कार्बन की वृद्धि करनी है तो CH4 का सबसे पहले हम करेंगे क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, CH3Cl, इसका हम KCN लगा देंगे, CH3CN और CN का जल अपघटन कर दो, क्या करते हैं इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहते हैं अभी ना पता चल जा रहे, तो ऐसे ऐसे बेचारा कोई छोटा सा बच्चा पाले में बैठा हुआ देख रहा होता ना ऐसा करके, वो अरे ऐसे ही है सारे के सारे, कुछ भी कर दो बेचारों को, अरे बेटा देखो ये, हाँ ठीक है सब, ये हो गया। इसी का जगह जो हमें एसिटिक अम्ल बनाना होता, अरे सुनो सर, एसिटिक अम्ल तो खैर आई गया, इसमें अगर जो एथिल अल्कोहल बनाना होता ना तो एक नीचे को और कर देते हम, ये था ना ये, अगर हम चाहते तो ऐसे भी हम लेकर आ गए,
लेकिन हम चाहते तो ऐसे भी लिखा बना सकते थे अतिलाल गौल, इसे कही एक बार आप चैन और कर, आप चैन और कर देते, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल आगे के जो है वो तुम घर से कोशिश करोगे, और अब जरा वो अभी किनारे लिखेंगे जो कि हमने पहले किसी जमाने में याद करने दी थी। यहाँ तक आ जाए, इन्हें उतार लो पहले। कल जो बोला था ना, तो वो कल के लिए बोला था, वो कल आज है। हमारा कल कल में नहीं जाता, हमारा कल का आज आ जाता है। अरे आधा घंटा उतारने में छोड़ो, करने वाले तो करेंगे। वो दिखाने जाना मुझे दी अभी, किसी के पास है लिखो भी, जो ये दी थी ना क्लेमेंशन, अब जहाँ कहने जा रहे दी थी ना। हाँ जी, कभी कभी किसी किसी में बंद नहीं है तो इसका मतलब ये मैं सोच रहा कि बंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, बंद होता है। मैं तो लगा ही ना रहा। अच्छा वो पांच जो लग रहा है, अरे यार ये बड़ी दिक्कत है भाई। सी एस थ्री होते हैं पांच, तो सी के अकेले सी के सामने पांच नहीं जा सकते। ये भी शुरू हो जाओ जरा।